हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुधीर। यू आर वाचिंग टू माय चैनल सुधीर म्यूजिकल। गाइस, तो गाइस आपको पता है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेके आता रहता हूँ, नई रागास वगैरह के बारे में। तो गाइस, कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर आसावरी जो राग है उसके बारे में आप बताइए। तो आज मैं आसावरी थाट के बारे में ना बता के आसावरी राग के बारे में बताऊंगा। तो गाइज, इस वीडियो में आरो आरो देखते हैं आसावरी राग किस प्रकार से गिटार पर चलेगा और इसकी क्या कंडीशन रहती है, फुल डिटेल मिलेगी गाइज इस वीडियो में। और गाइज, यदि कोई व्यूवर इस वीडियो पर नया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, बहुत रागास वगैरह के गिटार के लिए लेसन मिल जाएंगे। तो गाइस, देरी ना करते हुए चलते हैं लेसन की ओर। गाइस, आप ये गिटार का फ्रेटबोर्ड देख पा रहे होंगे और जैसे कि मैंने बताया, मैं आज आपको राग आसावरी के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, हमेशा मैं आपको सी मेजर स्केल से बताता हूँ और एक बार ये सी मेजर कोड है गाइस, और यहाँ से सारे तो गाइस सारे गामा पा धानी सा सानी दा पा मा गा रे सा, जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ सी मेजर स्केल से गाइस, क्योंकि ये नेचुरल स्केल होता है। तो गाइस देखते हैं, मैं आज आपको राग आसावरी के बारे में बता रहा हूँ, तो डिटेल यदि आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं गाइस। ये जो राग आसावरी है ये आसावरी थाट से लिया गया है। आसावरी थाट की आपको विशेषता पता है गाइज, इसमें गाधानी कोमल जाते हैं जो कि आप माइनर स्केल कहते हैं गाइज, वेस्टर्न में हम क्या कहते हैं कि जो कि माइनर स्केल होता है, तो गाइज ये वही होता है। इसमें गाधानी कोमल जाते हैं गाइज, यानी कि किसी भी शुद्ध स्केल में यदि हम गा को धा को नी को कोमल कर दें तो कौन सा थाट बन जाता है गाइज, आसावरी। और आसावरी थाट के ऊपर जो बेस है एक आसावरी राग है गाइस, जिससे कि आसावरी थाट बना हुआ है। तो गाइस आज उसी के बारे में बात करेंगे, आसावरी राग के बारे में। तो आसावरी राग जो है गाइस आसावरी थाट से लिया गया है और इसमें जो वादी स्वर होता है गाइस वो धैवत है जिसको धा कहते हैं, और संवादी स्वर गंधार है जिसको गा कहते हैं। इसके गायन समय गाइस दिन का दूसरा पहर है, और जो इसकी जाति है वो ओडव संपूर्ण है। मैंने ओडव संपूर्ण, साडव संपूर्ण और संपूर्ण संपूर्ण जाति के बारे में डिटेल बता रखी है गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक मिल जाएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप जाति के बारे में जान सकते हैं। तो गाइस इसमें जो कि विकृत स्वर है गाइस, जिनको हम कोमल स्वर भी कहते हैं गाइस, गा धा और नी, ये कोमल स्वर लगते हैं। और गाइस वर्जित स्वर आरोह में, आरोह अवरोह यदि किसी को नहीं पता है गाइस, तो मैंने उसी के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक में जाएगा तो मिल जाएगा गाइस, प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप देख सकते हैं गाइस। आरोह के अंदर हम गा और नी को नहीं लेते हैं क्योंकि ये ओडव संपूर्ण जाति का राग है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि ओडव में पांच स्वर, और गाइस डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोह में, गाइस डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोह में पूरे सात स्वरों का यूज होता है गाइस। तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पांच, और जिसको हम आरोह कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सात जिसको हम अवरोह कहते हैं। तो गाइज आप समझ गए होंगे, इसकी पकड़ भी देखेंगे, तो आइए गिटार पर समझते हैं। तो गाइज देखिए, पहले मेजर स्केल प्ले करते हैं, सारे गामा पा धानी सा सानी दा पा मा गा रे सा। तो गाइज ये मेजर स्केल है, तो किसी भी मेजर स्केल में मैंने क्या बताया था गाइस, गा धा और नी को कोमल कर दे। तो गाइस देखते हैं, सारे गा कोमल मा पा धा कोमल नी कोमल सा। गाइस जो आप माइनर स्केल प्ले करते हैं, कुछ बंदों को जो कि कुछ
बंदे गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, उनको मेजर और माइनर स्केल पता रहता है। जो कि माइनर स्केल होता है गाइज, वो आसावरी थाट ही होता है। आप ये हमेशा ध्यान दे ले, ये इंडियन क्लासिकल के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। आसावरी थाट को माइनर स्केल कहते हैं गाइस, तो समझते हैं। तो गाइस सा रे गा कोमल कर दिया है, आप ये भी ले सकते हैं, सा सा रे गा कोमल या सा रे गा कोमल, एक ही बात है गाइस, ये नोट और ये नोट एक ही बात है गाइस। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, समझिए, देखिए एक एक नोट, सा रे, ये गा सुध है गाइस। और गा सुध न लेने के वजह से गाइस सा रे गा, ये तो सुध स्केल में लगता है। तो गा को कोमल करने के लिए मैंने क्या बता रखा है गाइस, हाफ नोट फ्लैट, सा रे गा, तो सा रे गा एक ही बात है गाइस। यदि हम इस वाली ही उस पे लेते हैं तार पर, जो कि हमारा ई ए डी जी तार पड़ता है गाइस, इसी पे लेते हैं तो गा यहाँ आएगा कोमल, और यदि बी नोट पे लेते हैं तो गा यहाँ आएगा। तो सा रे गा कोमल, फिर मा पा वही, फिर धा, ये कोमल है गाइस। और धा कोमल कहाँ हो सकते हैं, ये एक ही नोट है गाइस, ये ई पर आता है और ये बी पर। तो गाइस सा रे गा कोमल मा सुध पा दा कोमल, और गाइस नी कोमल कौन सा है, नी सा। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये ओडव संपूर्ण जाति का राग है, तो ओडव में यानी कि पांच स्वर लगेंगे, कौन कौन से, गा और नी नहीं लगेगा, आरोह में गा और नी नहीं लगेगा। तो देखते हैं गाइस, सा रे मा पा धा सा, तो गाइस हमने दो नोट छोड़ दिए हैं, एक तो गा छोड़ा है और एक नी, एक नी छोड़ा है गाइस। तो सा रे मा पा धा सा ये बन जाएगा गाइज। एक एक बार और समझ लिए, सा रे मा पा धा कोमल सा, ये स्कार हो है गाइस। और अवरो सा नी कोमल धा पा मा गा कोमल रे सा, अवरो एक बार और देखे गाइस, सा नी कोमल धा कोमल पा मा गा कोमल रे सा। तो गाइस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार बजाता हूँ, आप ध्यान से देखें। गाइस देख के समझ गए होंगे, मैंने आरोह बता दिया है। और अब देखते हैं इसकी पकड़ गाइस, पकड़ क्या चीज़ होती है गाइस, पकड़ के बारे में भी डिटेल दोबारा अगर कमेंट करेगा तो मैं पकड़ के बारे में इसमें बता दूंगा गाइस। पकड़ वैसे बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, पकड़ वो चीज़ होती है गाइस जो कि हमें राग के चलन के बारे में बताती है कि किस प्रकार से आसावरी राग को बजाना है। तो गाइज इसमें जो पकड़ है वो, मैं कुछ फ्रेजेज होते हैं पकड़ के अंदर, तो मैं वो बजा के दिखा रहा हूँ। रे मा पा पकड़ में आएगा गाइस, रे मा पा नी दा पा मा पा, इस रे मा पा नी दा पा मा गा रे सा।
सो गाइस पकड़ देखिए, रे मा पा नी दा पा मा पा मा गा रे सा। तो गाइस पकड़ में ऐसे भी आ सकता है गाइस। तो गाइस पकड़ देख लीजिए सा, पकड़ देख लीजिए रे मा पा नी दा पा मा गा रे सा। ये इसकी गाइस पकड़ है, आपको फील भी आ रहा होगा। देखिए मैं थोड़ा सा बजा के बता देता हूँ। पकड़ का मतलब होता है राग के चलन से और फील से गा। तो गाइस ये इसका थोड़ा सा मैंने फील के बारे में बताया। गाइस ये आसावरी राग है, तो आप देख के समझ गए होंगे। तो गाइस आने वाली वीडियो में मैं इसके चलन के ऊपर पूरी डिटेल बताऊंगा। गाइस आप इस लेसन को इतना पक्का कीजिए। तो थैंक यू गाइस।